युवाओं की समस्या को सुलझाने, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने वाली युवा सेना की एक पदाधिकारी द्वारा ही धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने युवा सेना के प्रदेश सह सचिव विशाल केची सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह इस प्रकरण से युवा सेना के पदाधिकारियों में खलबली मची हुई है। मिली जानकारी के अनुसार न्यू बाबुलखेड़ा निवासी प्रशांत जवनी ने बेसा के जय गुरुदेव नगर में वंदना रविंद्र सातसेकर से 25 लाख रुपए की कीमत से 2 प्लॉट खरीदे थे। प्रशांत की शिकायत के अनुसार वह 15 अक्टूबर 2020 की सुबह प्लॉट पर सफाई कर रहे थे। उसी वक्त मंगेश सिंगर तथा विशाल केचे नामक व्यक्ति वहां आए। उन्होंने शोभा काले से उक्त प्लॉट 16 सितंबर 2020 को खरीदने का बताया। प्रशांत ने जब दोनों की बात की पड़ताल की तो उसे शोभा काले द्वारा ताज कृपा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी से खरीदने का पता चला। शोभा काले ने 13 दिसंबर 1991 को यह प्लॉट ईश्वर चिनोरे को बेच दिया था। चिनोरे की एकमात्र वारिसदार उनकी बेटी वंदना सासेकर थी। वंदना से ही उक्त प्लॉट प्रशांत ने खरीदा था। आरोपियों द्वारा शोभा काले की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉट की बिक्री किए जाने का पता चलने पर प्रशांत जवनी ने शिकायत दर्ज कराई। इस संदर्भ में फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। आरोपी मेन जे आहे विशाल केचे आणि मंगेश सिंगर हे आहे आणि त्यात शोभाबाई काळे जी आहे तिनी पण ऑलरेडी हा प्लॉट 1991 मध्ये हा विकलेला आहे, पण तरी मंगेश सिंगर आणि विशाल केचे यांना सर्टिफिकेट कॉपी काढून त्या दस्ताची सिलडिट करून दिलेली आहे आणि ते मूळ मालक नसताना पण त्या व्यक्तीने ते तसं कृत्य केलेलं आहे। मला पण माहिती नव्हतं की बा ते कार्यरत आहे बा म्हणून युवा सेनेचे मोठ्या पदावर आणि त्यांचे आमदारांसोबत संबंध खूप आहे आणि त्यांचे जास्त करून मीटिंग वगैरे ते चालत राहते आणि ते लोकांना सांगतात की आमदारांचे मी पी ए बा म्हणून आणि ते तसं मग कार्यरत करून मग एकत्र करून ते कामं करतात असं सांगितलेलं आहे त्यांनी। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी विशाल दिनकर राव केचे, मंगेश कुंदन सिंह सिंगर, शोभाबाई वामनराव काले, लक्ष्मी यशवंत सापके तथा पुरुषोत्तम काले विशाल केचे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक विजय तलवारे ने दी। कागदपत्रांचा वापर केलेला आहे त्यावरून पुलिस स्टेशनला CR नंबर 697/21 भादवी 420 465 468 471 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। फिर्यादी याच्यामध्ये प्रशांत ईश्वर जवने आहे आणि त्यांनी सदर तक्रारीमध्ये आरोपी मंगेश सिंगर, विशाल केचे, शोभा काळे, लक्ष्मी चापके, पुरुषोत्तम काळे असे आरोपींची नावं सांगितलेली आहेत। सदरचा तपास हा एकदमच प्राथमिक अवस्थेत आहे, तपास चालू आहे। एक और जहां राज्य सरकार के कुछ नेताओं पर CBI और ED ने शिकंजा कसा है, अब उसी श्रृंखला में युवा सेना के ही एक पदाधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने से युवा सेना के पदाधिकारियों में खलबली मची हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।